हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आजकल हम इससे पहले मैंने आज आपको पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को पढ़ाया था। और आज हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन एवं अपचयन। सबसे पहले उपचयन को देखते हैं। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो। यानी कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है ना, उसमें किसी पदार्थ का अगर उपचयन हो रहा है तो हम कहेंगे कि उपचयन कब होगा, जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की अगर उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है या उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही है तो हम कहेंगे कि उस पदार्थ का क्या हो रहा है या उस अभिकारक का क्या हो रहा है, उपचयन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, हमारी बुक में दी हुई है ये एक्टिविटी नंबर 1.11 के। ठीक है ना, एक्टिविटी मैंने क्या किया, एक चाइना डिश ली और इसमें मैंने क्या लिया, कॉपर पाउडर लिया, कॉपर का चूर्ण लिया। ठीक है ना, कॉपर चून लिया और इसको गर्म किया, मैं बर्नर की सहायता से गर्म किया। तो जब मैं कॉपर चून को गर्म करता हूं तो कॉपर चून की सतह पर क्या हो जाती है, एक परत जम जाती है काले रंग की। ठीक है ना, एक काली परत चढ़ जाती है और वो काली परत होती है कॉपर ऑक्साइड की। देखिए क्या होता है, मैंने क्या लिया था, कॉपर, कॉपर लिया था और इसको मैंने क्या किया, जलाया। ठीक है, गर्म किया, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया और इसको टेम्परेचर दिया मैंने, यानी कि जलाया ताप। ठीक है ना, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होती है। यानी कि कॉपर जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है इसको, ठीक है ना, तो ये ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ जाती है और ये बना देती है CuO, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब कॉपर, अब इसको संतुलित कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है और यहाँ एक है, यहाँ कॉपर एक है तो इसको कर दो, ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो दो कर दो, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ भी दो यहाँ भी दो, अब यहाँ दो कॉपर है तो यहाँ पे टू लगा दो, इस तरह से इसको संतुलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कॉपर, और कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो यानी कि मैं कहूँगा इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि इसका उपचयन हो गया है, क्योंकि किसका उपचयन हुआ, कॉपर का, क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई है और कॉपर ऑक्साइड बना लिया है। ठीक है, इसके और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि एक और उदाहरण देखो इसका, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम ये है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीकरण करना है, उपचयन करना है इसका, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये बन जाएगा, ये हमने पहले एक्टिविटी, जब पहली एक्टिविटी की थी वहां पर भी बताया था मैंने आपको, मैग्नीशियम रिबन वाला, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, इसको भी बैलेंस कर दो। ठीक है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहां पर क्या हो रही है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि, और बना रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि यहां पर मैग्नीशियम का क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब देखते हैं अपचयन। देखो अपचयन क्या होता है, अपचयन उपचयन का ठीक उल्टा होता है, बस ये मान के चलिए। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी हो रही हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो तो हम कहते हैं कि उपचयन हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था और सॉरी, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था और ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, और यहाँ पर ठीक उल्टा हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। अब देखो इसी समीकरण को लेता हूं मैं, देखो ठीक इसका उल्टा, कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है ना, और मैंने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड,
ठीक है, कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की इसके ऊपर से, ठीक है, टेम्परेचर दिया और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, तो क्या हो जाता है, ये ऑक्सीजन निकल जाती है इससे, कॉपर से, ठीक है ना, कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाती है और प्लस बन जाता है H2O। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। समझ रहे हो भाई, ऑक्सीजन निकल रही है यानी कि कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि, दोनों में से कोई कुछ कोई भी एक स्थिति अगर यहां पर उत्पन्न हो रही है, तो मैं कहूंगा कि वो क्या है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आता है उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं बच्चों जिसमें क्या होता है, उपचयन भी होता है तो अपचयन भी होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित है होता है, तो इन अभिकारकों को उपचयन अपचयन अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है ना, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और तथा दूसरा अभिकारक क्या, अपचयित होता है। एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। देखो कैसे अभिक्रिया के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि CuO कॉपर प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, ठीक है, तापमान दिया, गर्म किया इसको, तापन किया, ठीक है, और उसके बाद ये किया, इसने बनाया कॉपर, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई इससे, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गई मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है यानी कि क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है ना, और प्लस H2O, ये समीकरण अभी भी पढ़ी थी हमने। तो यहां पर देखो कॉपर किस में बदल रहा है, कॉपर ऑक्साइड बदल रहा है कॉपर में, यानी कि यहां से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है मतलब क्या हो रहा है, अपचयन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपचयन। तो एक दो अभिकारक हैं, एक अभिकारक कैल्शियम सॉरी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल रही है, और दूसरा यहां पर हाइड्रोजन, देखो अब हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन है और यहां जाके H2O हो गया, यानी कि इसके साथ क्या हुई, ऑक्सीजन जुड़ी, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, उपचयन, उपचयन हो रहा है इसका, ठीक है ना, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, और अपचयन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया के, उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के। ठीक है, जैसे कि ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, तो ZN प्लस CO। आप यहां पर देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयित, ठीक है ना, या इसका मैं कहूंगा कि इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और कार्बन, कार्बन के साथ देखो यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी कि इसका उपचयन हो रहा है, अपचयन और उपचयन, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, तो उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, और यानी कि ये क्या, रिडक्शन, ऑक्सीजन की कमी हो रही है यानी कि रिडक्शन। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि कार्बन अपचयित होकर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन उपचयित, उपचयित होकर, कार्बन उपचयित होकर क्या बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड ZnO अपचयित होकर
अपचयित होकर जिंक बनाता है। जिंक ऑक्साइड क्या बनाता है? जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस HCl। ठीक है, और इसको बैलेंस किया मैंने, सॉरी इसकी रिएक्शन कराई MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ठीक है, बैलेंस हो गया ये। यहां पर देखो HCl, HCl किसमें बदला है? Cl2 में। ठीक है ना, Cl2 में बदला है। और यहां से क्या हुआ है? HCl Cl2 में बदला है, यानी कि यहां पर क्या है? हाइड्रोजन की कमी हुई है, हाइड्रोजन की कमी हुई है ना, यानी कि इसका हुआ है उपचयन। उपचयन, उपचयन हुआ है ना, क्योंकि हाइड्रो मैंने बोला था ना उपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो हम कहेंगे क्या? वहां पर उपचयन हो रहा है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की कमी हो रही है, यानी कि इसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। HCl Cl2 में बदल रहा है, Cl2 में हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन की कमी हो गई, उपचयन हो गया है। और MnO2, MnO2 MnCl2 में बदल रहा है, यहां पर क्या हो रही है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, और मैंने बताया था आपको ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है? यहां पर अपचयन हो रहा है। तो MnO2 MnCl2 में बदल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी कि अपचयन हो रहा है। अपचयन, अपचयन यानी कि रिडक्शन। ठीक है, और उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाँ, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में HCl, लिख देना, इस अभिक्रिया में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में MnCl2 में MnCl2 में अपचयित हुआ है। ठीक है, इस तरह से आज हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि उपचयन, अपचयन और उपचयन अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं जो हमारी ऑनलाइन स्टडी का ग्रुप है, या फिर आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होगा तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।